नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में एक हफ्ते तक लू की मार कम नहीं होगी। इस दौरान तापमान 45 डिग्री के पार रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने आज गर्मी और लू के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 14 से 17 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को ड्रग्स लेने और अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी पाया गया है। जहां 54 वर्षीय हंटर बाइडेन को किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे के खिलाफ पहले आपराधिक मुकदमे में 3 अग्नेयास्त्र आरोपों में दोषी ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पदभार संभालते ही कहा कि नई सरकार देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर तक ले जाएगी। आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। मोदी 3.0 सरकार के तहत गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से ये बयान जारी किया। यूपी के बरेली पहुंचे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री हिंसा के बलबूते पर चुनाव लड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंसा और अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट किया। राहुल ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 से 3 लाख वोटों से जीत जाती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मोदी मंत्रिमंडल के गठन में मुसलमानों के प्रति भाजपा की नफरत झलकती है, इसलिए भाजपा की अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को 72 सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली। राजधानी दिल्ली में जल संकट से लोग बेहाल हैं और दिल्ली सरकार बीते 10 साल से हरियाणा को कोसने में लगी हुई है और अब तक दिल्ली को पानी मुहैया कराने में भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाई। अगर किसी भी सरकार की पानी मुहैया कराने की इच्छा शक्ति होती तो 10 साल में वो चाहे तो पताल से भी पानी निकालकर लोगों को दे सकती थी, परंतु इन्हें तो काम करना है नहीं, आरोप लगाना आता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, जहां आज शाम 5 बजे मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि कल देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र पटेल पर्यवेक्षक के तौर पर उड़ीसा पहुंचे थे और वहां पर मोहन चरण मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया था। आज सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेंगे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस पार्टी आज से 15 जून तक प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेगी। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर यात्रा करेगी और जनता से आभार जताएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज मलवा उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत मलवा उत्सव मनाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रदेशों से आए शिल्पकार एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति देने आए 400 से अधिक लोक कलाकार शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से प्रदेश के मैदानी इलाके में लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून के आसपास प्रदेश में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है, उसके बाद प्रदेशवासियों को लू से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनावत ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले की निंदा की। कंगना ने एक्स पर लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए कायरानापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती हूं। मैं दिवंगत श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना करती हूं तथा घायलों के स्वस्थ होने की कामना करती हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया बड़ा तोहफा, जहां राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 4% DA में बढ़ोतरी का आदेश दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी।
महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज के साथ चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुजरात में मानसून की हुई शुरुआत, आज से 17 जून तक अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत समेत कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। राजस्थान के उदयपुर में हथियार और गोला बारूद विक्रेता की दुकान में विस्फोट हो गया, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि विस्फोट कैसे हुआ। FSL की टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर पहुंची हुई है। जांच के बाद सारा मामला खुलकर आ जाएगा। पंजाब के नवांशहर में श्री खुराल गढ़ साहिब से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक कंटेनर पलट जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 49 लोग घायल हो गए। यह हादसा गांव उर्धन तहसील के राजापुरा जिला पटियाला में हुआ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गठित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में केवल कुछ जातियों के उम्मीदवारों के चयन के नियम को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। याचिका में सवाल उठाया गया था कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गठित प्रेसिडेंसी बॉडीगार्ड में केवल जाट, जाट सिख और राजपूत जाति के आवेदकों को ही नियुक्ति क्यों दी जाती है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने VC रूम में सभी ARO एवं नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। झारखंड के CM चंपई सोरेन ने अफसरों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध बढ़ा तो खैर नहीं, कानून व्यवस्था कड़ी करने के लिए भी दिए आदेश। मध्य प्रदेश के सागर के मालथौन थाना क्षेत्र के गंभरिया गांव में मारपीट के बाद मौका मुआयना करने पहुंचे नौनिया चौकी प्रभारी पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जहां चौकी प्रभारी को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें मालथौन से सागर रेफर कर दिया गया। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं हमला के बाद आरोपी घर और गाँव छोड़कर फरार हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2024-25 की 4761.30 करोड़ रुपए की GST राशि हस्तांतरित कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वो भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।